सर पैपटॉप के राहुल सूद में आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर आपका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसा था आपका बचपन मेरा बचपन तो इतना गरीबी में निकला कि हम कच्ची बस्ती में रहते थे मदर फादर लेबर क्लास लोग थे मजदूरी करते थे मेरे फादर फैक्ट्री में काम करते थे <coughs> हम घर में छः भाई थे एक मदर फादर थे एक मेरी दादी थी हमारे साथ ऐसे करके हम नौ लोग थे और सिर्फ कमाने वाले हमारे पिताजी थे उसके अलावा मेरी मम्मी वो कभी कभार कोई शादी ब्याह में या कहीं किसी के कोई काम होता था वो काम करके आती थी फिर भी हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था तो हमारी तो ज़िंदगी ऐसी निकली है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता आपको एक ऐसे माहौल में रहने के बाद ये पेंटिंग का शौक़ कैसे हुआ पेंटिंग का शौक तो इन एक्चुअली हमारे घर के जस्ट पीछे कुमाऊत लोग रहते थे जो आईवरी पे और सेंडलवुड पे खिलौने बनाते थे और आ, वो काम करते थे तो मैं उनसे बड़ा इंप्रेस था जब मैं अच्छा मैं स्कूल भी उधर से जाता था तो मेरा आना जाना दोस्त भी मेरे वही लोग थे उनके तो मैं वहाँ से देखता आया तो, तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही आर्ट के प्रति इतना रहा के बस और एक स्टेंस सुनाता हूँ एक बार वो मेरी होगी दस ग्यारह साल की एज होगी हमारे पिताजी ने दस पैसे दी थी कि जा धनिया ले लिया संडे का दिन था तो साहब मैं पैसे लेके और घर से जैसे ही पार गया तो पोलट्री का इलाका तो बहुत भीड़ भड़क वाला इलाका था उस ज़माने में अभी तो बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पे एक बंदा वो रोड पे एक पेंटिंग बना रहा था शेडो दे के कलर वाली बड़ी सारी रंगोली टाइप रंगोली टाइप रंगोली तो खैर अलग होती है वो एज ए जस्ट पेंटिंग अभी तो कोई बनाता ही नहीं है पहले उस जमाने में बहुत बनाते थे तो वो जैसे ही वो लोग बना रहे थे तो उसने चालू की थी मैं वो देखना वहाँ पे देखने लगा देखने में मैं इतना मग्न हो गया मुझे एक दो घंटे का पता ही नहीं चला जितनी देर उसने बनाई उसी दरमियान हमारे घर वालों को जब मैं पहुँचाने आधे एक घंटे इंतज़ार किया फिर इधर उधर पूछे पूरे कॉलोनी में हल्ला हो गया कि जग्गू कहाँ गया जग्गू अरे जग्गू हो गया जग्गू को कोई उठा ले गया सब ढूंढ रहे हैं मुझे ऐसे ढूंढ रहे हैं कि जैसे कोई सबका सामान किसी का ऐसा सामान खो गया सारे सब पूरे कॉलोनी में हल्ला हो गया मैं जाके भीड़ में हमारे पिताजी को मैं आते हुए देख लिया और देखा हमारे पिताजी ने वहाँ से ठोकना चालू किया तो मेरी ठुकाई तो बचपन से होती आई है भाई ये मेरा हमेशा रहा तो तो ये तो एक ऐसा इंसिडेंस था जहाँ से आपको ऐसा लगता है कि आपको पेंटिंग के प्रति एक शौक डेवलप हुआ हाँ इसके बाद ये तो एक हो गया जब मैं सिक्स में गया आ, आ, बेसिक मॉडल स्कूल थी दरबार स्कूल के बराबर तो सेम प्रोसीजर वहाँ पे हमारी सुबह सात साढ़े सात की स्कूल होती थी मैं और मेरा एक मित्र था हम वही बंदा रंगोली हनुमान जी बना रहा था वहाँ पे भी वो देखना चालू हो गया अब देखने में हमारा बहुत टाइम ख़राब हो गया अब इंटरवेल का टाइम हो गया अब न तो घर जा सकते हैं नहीं स्कूल जा तो सकता आखिर ये सोचा कि घर जाएंगे तो मार पड़ेगी देखा स्कूल में जाते स्कूल में भी वही पिटाई <laughs> हुई तो मेरा तो आर्ट के प्रति इतना रुझान रहा रुझान के साथ मुझे हमेशा क्रिटिसाइज होता रहा मैं स्कूल में ड्राइंग करता मास्टर मारता कि ये तू छा ट्रेस करके क्या मैं ट्रेस समझता ही नहीं था ट्रेस क्या अच्छा मतलब वो समझते थे कि आप उसको कॉपी करके ट्रेस हाँ, करके फिर आए हाँ क्या आज तो जैसे ट्रेस करके बच्चे भी जानते हैं हम उस जमाने में समझते ही नहीं थे तो मेरी ड्राइंग शुरू से ही रही है उसके प्रति और एक बार तो मैं स्कूल में मास्टर ने एक चम्मच और एक ग्लास बोर्ड पर बना दिया और वो ड्राइंग करती हफ्ते में तीन दिन आते थे अब वो मास्टर जी के जाने के बाद मैंने उनकी वापस कॉपी कर दी वो मास्टर जी ने आके देखा फिर उन्होंने पिटाई कर दी तो वो मास्टर जी से अच्छा था तो इसलिए वो मास्टर जी को गुस्सा आया उन्होंने भी ठोकना चालू कर दिया तो मतलब आपके खूब पिटाई हुई है हाँ पेंटिंग पेंटिंग के, कारण। पेंटिंग के कारण तो इतनी पिटाई हुई है एक बार तो ये हुआ कि मैं नाइनटीन सेवेंटी एट से मैंने पेंटिंग में चले गया मैं तो पेंटिंग में जाने के बाद मेरे घर वालों को सिर्फ यही पता था कि मैं कहीं सीखने जाता हूँ तो मैंने जैसे ही पहले कहीं एक कोई जो साइ, साइन बोर्ड बनाते हैं उनके यहाँ गया मुझे वो समझ में नहीं आया फिर वहाँ पे एक बंदा मुझे जो पिक्चरों के होर्डिंग बनते हैं मुझे वहाँ पे लेके गया मैं ड्राइंग अच्छी थी तो मेरी ड्राइंग अच्छी के कारण वो लेके गया तो मैं वहाँ देखा मुझे बहुत काम भी बहुत अच्छा लगा मतलब ये उस टाइम पे जब बड़े बड़े जो पोस्टर्स जो बनते पोस्टर थे बनते थे उस ज़माने में अमिताभ का पोस्टर बनता था उसके अस्सी रुपए मिलते थे उस आर्टिस्ट को और वो एक दिन में बना देता था वो ग्यारह बारह बजे आता था और वो शाम तक छः सात बजे तक उसको बना देता था और उसके उस टाइम असिस्टेंट होते थे तो मुझे क्या हुआ कि मेरा हाथ इतना अच्छा था काम करने में ड्राइंग इतनी अच्छी थी ग्राफ डाल के तो मुझे वहाँ पे साढ़े चार सौ रुपये मुझे महीने का देना चालू कर दिया उन्होंने बट बट वो आप जो बनाते थे वो क्या आउटलाइन बनाते थे वो जो आर्टिस्ट मेन आर्टिस्ट होता था ना वो स्केच पहले मैं कर देता था वो आकर फिर उस स्केच पे वो सीधा अपना ब्रश लगा के काम करता था यानी आउटलाइनिंग के दो चाहे स्केच के दो वो मैं किया करता था तो इसकी वजह से मुझे वो लोग पैसे दिया करते थे तो मुझे पहली पे, तनख्वाह मिली पहली कमाई मिली मैं बड़ा खुश होता हुआ गया और मैंने मेरे पिताजी को कहा कि ये तो साढ़े चार सौ रुपये हैं ये मेरे काम के मिले हैं पहले तो मुझे मारा बोला कहाँ से चोरी करके लाया अब ये बता मैं मैंने बहुत समझाया मैंने कहा जी मैं चोरी नहीं मैं का, काम किया मैंने कहीं कहीं जा काम करता उन्होंने दिया नहीं कि इतने पैसे हमें ही नहीं मिलते तुझे कहाँ से मिल गए हैं उनको पाँच सौ छः सौ मिलते होंगे शायद उस टाइम पे मतलब एक तरफ तो जो बच्चे अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कार मिलता है आप हाँ अच्छा टाइम ही है मेरे साथ ये हुआ हमेशा वो उसके बाद अचानक एक बार हमारे पिताजी आ गए वहाँ पे शाम को कोई आए होंगे बाजार में काम से तो वो पिताजी आए देखा तो उस ज़माने में एक ट्रेड था वहाँ का कि आर्टिस्ट होता था तो उसका शाम को उसका दारू पीने का और उनका खाना बाज़ार से आता फिर कोई एक दो गाने बजाने वाले बैठे रहते थे तो इतफाकन वो आए करीब छः सात बजे मैं गाने बजाने वालों के बीच में बैठा तो उन्होंने देखा ये कहाँ पेंटिंग करता है ये तो गाना बजाना सीख रहा है वो फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं तू कल से नहीं जाएगा तो मैंने छोड़ दिया भाई उनको नहीं समझ में आया कि ये तो पेंटिंग नहीं करता है ये पेंटिंग वाले के यहाँ बैठ के ये तो गाना बजाना इसके बाद फिर मैं जैसे ही घर बैठा तो मैं फ्री तो कहाँ रहने वाला था मैं बैठ के अपने घर में पेंटिंग बनाता तो हमारे झाड़ू निकालने वाला गुआड़ी कॉलोनी में जो आता था वो देखा मुझे और देख के उसको बड़ा अच्छा लगा तो ये कृपाल सिंह जी शेखावत हैं मेरे गुरु हैं अब तो वो भगवान को प्यारे हो गए उनको जाके उस उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ले आना तो मैं फिर उसके बाद इट्टी में कृपाल सिंह जी के पास गया तो उस समय उसने आपका क्या देखा था कि आप घर से पेंटिंग बनाने लग गया ना हाँ घर से मैं फिर पेंटिंग करने लग गया तो वो किस टाइप की पेंटिंग वो ऐसे ही जो देख के आता था ज़्यादातर तो देवी देवताओं की बनाता था तो वो क्या है? मेरे रिश्तेदारों को या कोई किसी को भी गिफ्ट में दे देते थे या कोई आता था ले जाते थे तो वहाँ से जब वो देखा तो उन्होंने कृपाल सिंह जी ने कहा कि मेरे पास ला भाई कोई ऐसा है तो मैं गया तो वहाँ पर देख के वो और, और कृपाल सिंह जी का क्या काम था वो उनका पेंटिंग और ब्लू पोट्री वैसे मेन तो ब्लू पोट्री था बाकी पेंटिंग भी करवाते थे तो मैं शुरू में जाके वहाँ पे पोट्री की फिर डिजाइन करना चालू कर दिया फिर उनके साथ मैंने वो पेंटिंग भी करते थे जैसे पोट्री के बाद कभी पेंटिंग लगा दी तो वो मैं पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड था तो मैंने वहाँ पे फिर पेंटिंग की अब जैसे मैं एक जानना चाहता हूँ जैसे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ट्रेडिशनल पेंटिंग होती है और एक मिनीचर आर्ट होता है हाँ। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ट्रेडिशनल पेंटिंग और मिनीचर आर्ट कोई अलग नहीं है दोनों एक ही है वो ट्रेडिशनल में क्या है कि ज़्यादातर जैसे राजस्थान की जो फोक स्टाइल या राजस्थानी सब उसको तो ट्रे, ट्रेडिशनल बोल देते हैं और जो मुग़ल है उस टाइप का जो काम है उसमें वो बहुत डिटेल मिनीचर होता है उसे मिनेचर इसमें ये फ़र्क है मतलब मिनीचर का मतलब है कि बड़ी चीज़ का छोटा रूप बनाना वो डिटेलिंग के साथ हाँ, फिर ये इसको प्रोफेशनल पेंटिंग कब करने शुरू करी बढ़िया काम तो मैंने इतना कर लिया था कि मेरा हाथ इतना हो गया था कि सद गया था कि मैं कुछ भी करूँगा ना तो अच्छा होगा तो मैं वो बता ही रहता ना मेरे अमेरिकन डॉक्टर मोहम्मद फैजल करके एक जो आर्ट कलेक्टर भी हैं और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं तो वो मेरा काम देख के इतना इम्प्रेस हुए और बोला कि भाई मेरा काम कर अब तू मैंने कहा नहीं मैं अभी तो किसी का काम ले रखा छः महीने में अभी तो मैं कर नहीं सकता तो वो छः महीने बाद वो साल में दोबारा आते थे वो फिर वो आए कि तू ने क्या सोचा मेरा काम कम के कर मैंने करूँगा तो जब वो मेरी पेंटिंगें देखे और मेरी पेंटिंगें देखने के बाद बोला ये साइन किसका है ये तेरा तेरा साइन तो नहीं है मैंने कहा हाँ मेरा नहीं है तो ये जॉन पीटर किसका है या जी ऐसे पर्टिकुलर वो जर्मन नेम लिखवा था मेरा नाम जग्गू प्रसाद था तो वो जेपी के नाम से बोला इनमें सेलेक्ट कर ले तो मैंने जॉन पीटर लिखना चालू कर दिया था पेंटिंगों को वो वहाँ के नाम करवाता था हर पेंटिंग पे तो वो बोला ये तो गलत कर रहा तू तुझे नहीं करना चाहिए इस आदमी का काम ही नहीं करना चाहिए तो मैंने कहा साहब वो, वो मुझे पैसा देता है वो पैसा दे रहा कुछ भी लिखवाओ तो मैं क्या करूँ कि नहीं तू इसका काम मत कर तू मेरा काम कर और तेरा साइन कर उस पर तभी बनती है ना। तो हाँ तो मैं मुझे भी अच्छा लगा मैंने उनका फिर धीरे धीरे एक साथ तो बंद नहीं किया मैंने कहा धीरे धीरे कट ऑफ किया मैंने काम फिर उन्होंने मेरे काम को वहाँ पे अमेरिका में इतना पब्लिश किया हर जगह बोटनी के म्यूज़ियम में, में मेरी पेंटिंगें उन्होंने दी मेरे बोटनी के म्यूजियम में, में मेरी चार पेंटिंगें आज Americans. अमेरिका में बोटनी के म्यूजियम है पिट्स में तो वहाँ पे है, है मेरी चार पांच पेंटिंग है फिर और भी म्यूजियमों में है तो 98 में फिर मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका बुलाया मुझे मेरी पेंटिंग के थ्रू जब मेरा काम दिखाया लोगों को बिलीव नहीं हुआ नहीं ये आँख से इतना ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता बोला कि मैं क्या आर्टिस्ट को बुलाओ मैं गया वहाँ पे मैंने डेमो दिया अमेरिका वो, में वो, अमेरिका में जाके मैं मतलब उनको यकीन नहीं हुआ कि यकीन नहीं हुआ मैं उनके खर्चे पे गया पूरा मेरे यहाँ से जो जयपुर से मैं मैं कार में बैठा जब से लेके उन्हें मेरे पे ख़र्चा किया करीब पाँच लाख रुपये ऐसे ही फिर एक ए, ए, सेंट फ्रांसिस्को में सेम स्टोरी हुई वो 2003 में, में मेरा स, एक शो वो भी बंदा माने नहीं कि नहीं इतना बारी कोई आंखों से काम होता क्या ये प्रिंट है तो वही वहाँ गया वही गोरमें उनके खर्चे पे वहाँ पे भी मैं डेमो कर गया तो सेंट फ्रांसिस को तो मैं तो हर एक दुकान छोड़ के एक दु, दुकान आर्ट की है पर जो मेरा मिनीचर काम था ना उसको देख के तो वो लोग कोई बिलीव नहीं करता है अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा आपको लगेगा ही नहीं कि ये पेंटिंग है ये फोटोग्राफ है पर फ़ोटोग्राफ में और पेंटिंग में बहुत फ़र्क है फ़ोटोग्राफ पर्टिकुलर एक जगह फोक फोकस करती है मेरी पेंटिंग शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी फोकस है तो, तो जैसे आप पहले मुगल शैली की मिनिएचर बनाते थे उसके बाद फिर फिर उसके बाद आप जो शिफ्ट हुए शिफ्ट मैंने ये यूरोपियन पेंटिंग बनाई खूब इतनी बनाई मैं, मैं वो सब मेरा हाथ इतना साफ हो गया इतना बढ़िया काम हो गया फिर मैंने मेरा अपना वर्जन उसमें बाद में हाँ वही मैं उसी पे आ रहा था कि अब आप जैसे स्पेशली वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा आजकल बना रहे हैं मेरा बोटनी पे रहा या वाइल्ड लाइफ पे ये मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरा बचपन से ही मतलब वो आपका स्टाइल बन गया है स्टाइल तो मैंने क्या है कि यूरोपियन काम किया ना खूब मिनेचर स्टाइल में तो मैंने मिनेचर को अपने इंडियन मिनेचर को और यूरोपियन को मिक्स करके फ्यूजन करके मैंने मेरी स्टाइल निकाली पेंटिंग की आज के जमाने में आ, इस टाइप के मिनिएचर आर्ट्स के जो पेंटर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं नहीं अब तो कोई दस पंद्रह साल से तो कोई नया आया ही नहीं मैं वही कह रहा हूँ उसका रीज़न क्या लगता है इसका रीजन ये है कि एक तो इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है आप ये देखो कि साल दो साल में सीख ले इसमें तो जिंदगी निकल जाती है पूरी एक पेंटिंग और एक संगीत ये दो आर्ट ऐसी है कि आप मार मार के नहीं सिखा सकते आप बच्चे को मार के पढ़ा दोगे डॉक्टर बना दोगे पेंटिंग वर्ल्ड के कोई सी भी कोने में देख लो कितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनके बच्चे दस परसेंट आर्टिस्ट निकलेंगे ये ये तो फ्रॉम होता है मतलब अंदर से अंदर आपको से महसूस होता, होता है अब देखे ना मैं मे, हम मेरा कोसों तक कोई लेन देन नहीं आर्ट से पिताजी का कहीं दूर दूर नाता ना नहीं पेंटिंग के अभी भी वो मरते टाइम के वो उनको कुछ समझ में नहीं आता था अरे ये मारवाणी में बोलता अरे भाई वो कहीं बनाए चे मैंने तो यहाँ लाग रहे हो चाहे कि वो बांध रो बनाए थे तो मैं यही बोलता था मैं काका जी हो ही चाहिए <laughs> यानी कहने का मतलब मेरी आर्ट में वो वो इतना समझते थे जो दिखता था वो बोलते थे और मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा जो आर्ट वर्क है मेरा जो स्टाइल है आप एक लेमेन को दिखाओ एक छोटे बच्चे को दिखाओ एक बेवकूफ़ को भी दिखाओगे ना तो वो भी देख के आप डिटेल में मत जाओ आप देख के वो ये कहेगा ये तितली है ये बंदर है ये कुत्ता है ये बिल्ली है कोई भी एनी अदर ओल्ड वर्ल्ड जैसे मॉडर्न आर्ट में तो क्या है कि वो जब तक आपको डे, वो नहीं करेगा और वो भी कि, पता नहीं ठीक है अपनी जगह वो वो है पर मॉडर्न आर्ट को समझना मुश्किल है मैं तो आज दिन तक समझ नहीं पाया कि ये क्या होती है मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि उस न तो उनकी डेफिनेशन होती है ना कोई क्या होती है कोई रंग डोल के बना रहा कोई ऐसे करके बना रहा कोई कुछ उनमें कोई अच्छा उनको थी कोई टैलेंट ऐसा तो सच नहीं है अभी तो नहीं है आ, आ, आज के देखो ना बच्चे इस मिनेचर में नहीं आ रहे हैं वो मॉडर्न करना वो बोले आ, बोलते हैं हम तो मॉडर्न कर रहे हैं मॉडर्न उनको मॉडर्न की डेफिनेशन पता नहीं है मॉडर्न का जो जन्मदाता पिकासो है पिकासो ने इतना फ़ाइन काम किया कि उसका फाइन काम को जैसा मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ वैसे अच्छे काम का के कभी भी शुरू में कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता जैसे कंप्यूटर आया कंप्यूटर के आते हैं लोग लोग नहीं ये ख़राब है इसको हटाओ तो हर कोई जो नई चीज़ होती है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता बिल्कुल सही है जैसे न्यूटन ने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सेब नीचे गिरता है तो लोग उस पर मजाक करते थे कि यार ये झूठ बोलता है मतलब मजाक इसको नॉलेज नहीं है बाद में लोगों को पता चला कि नहीं वो बिल्कुल सही कहता था नहीं अभी भी तो उसकी जब अच्छी अच्छी पेंटिंगों को वो, वो, वो रिजेक्शन मिला वो कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तब उसने मॉडर्न आर्ट चालू की तो मॉडर्न आर्ट एक एज आप फाइन करके निकलो फिर मॉडर्न करो ना तो कुछ थीम बनती है तो आप जैसे जो ये बना रहे हैं मिनिएचर आर्ट तो ये ऑनलाइन वगैरह सेल है इसका करते हैं ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन नहीं है मेरे तो अपने ग्राही के अपने कलेक्टर हैं अपना तो अलग स्टाइल का मेरा इंडिया के टॉप लोगों के पास मेरा कलेक्शन है वसुंधरा जी के पास मेरी सौ डेढ़ सौ सो पेंटिंगें हैं एम के महाराजा के पास मेरे कलेक्शन है अमेरिका में भी बता रहे थे कहीं अमेरिका म्यूजियमों में है मेरे कलेक्टर हैं दो तीन अच्छा 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 तो। कौन कौन से म्यूजियम्स में है अमेरिका में पिट्सवर्स बोटनी का म्यूजियम है सबसे बड़ा है आप वहाँ पे वर्ल्ड के नंबर ही नहीं आता ये तो मैं किस्मत वाला हूँ कि जो मेरा उस म्यूजियम में मेरी पेंटिंग है आज के जो यंगस्टर्स हैं हाँ। उनको आप क्या पैपटॉक देना चाहते हैं मतलब उनको क्या एक मोटिवेशनल बात कहना चाहते हैं देखो मोटिवेशनल तो बात यह है कि ये धरोहर है ये आर्ट ये अभी थोड़ा इस पर नई जनरेशन आ नहीं रही है इसमें टाइम लगता है पेशेंस लगता है वो आज का बंदा चाहता है कि मैं आज काम करूं और आज ही मुझे पैसा मिलना चालू हो जाए नई जनरेशन को ये कहना चाहता हूं कि यह धरोहर है इसको आना चाहिए और इसमें उनको करना चाहिए काम ये पेशेंस रखना चाहिए और अच्छा काम करो आपका भविष्य बहुत अच्छा है इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है नाम नहीं है आपको सब मिलेगा आप पेशेंस करके काम करो शुरू में आपको सब कहेंगे कि नहीं ये तो बेकार है तू तो जो कर रहा है, गलत है पर ऐसा कुछ नहीं आप उसको ईमानदारी के साथ कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी सफलता और नेचुरल है नेचर में है या भगवान में है कि आप मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा चलिए थैंक यू सो मच सर आपसे बात करके बहुत अच्छा धन्यवाद